मेरी सिर्फ एक वीडियो ने ही मेरे चैनल पर 4000 घंटे पूरे करके मेरे चैनल को मोनेटाइज कर दिया, जिसका प्रूफ तुम यहाँ मेरे यूट्यूब स्टूडियो में देख सकते हो। लेकिन यह ऐसे ही तुक्के से नहीं हुआ, बल्कि मैंने इन 3 स्ट्रेटेजीज का यूज करके अपनी इस वीडियो को वायरल किया है। और जो सेकंड स्ट्रेटेजी है वो सबसे इम्पोर्टेंट की पॉइंट था मेरी इस वीडियो को वायरल करने का। तो चलो अब स्टेप बाय स्टेप मैं तुम्हें इन स्ट्रेटेजीज के बारे में बताता हूँ। स्ट्रेटेजी नंबर 1, इम्प्रूवमेंट। ये थंबनेल और टाइटल मेरी इस वीडियो को अपलोड करने के पहले के है और तुम देख ही सकते हो कि ये कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं थे। एंड ये टाइटल और थंबनेल मेरी इस वीडियो के है जिसमें कि मैंने पहले के मुकाबले काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट की है। एंड टाइटल और थंबनेल के साथ ही मैंने अपनी वीडियो एडिटिंग और वॉइस में भी इम्प्रूवमेंट की है, जिससे कि मेरी ये वीडियो ज्यादा कैची बनी और जब लोगों ने इस पर क्लिक किया तो उन्हें कॉन्टेंट भी काफी ज्यादा पसंद आया, जिससे कि मेरी इस वीडियो का CTR भी हाई है और वॉच टाइम भी। लेकिन वीडियो को वायरल करने के लिए सिर्फ अच्छा कंटेंट होना ही काफी नहीं होता, बल्कि थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैंने एक ऐसे टॉपिक को चूज किया जिस पर किसी दूसरे क्रिएटर ने कोई वीडियो नहीं बनाई थी और ये उस टाइम पर काफी ज्यादा ट्रेंडिंग भी था। और यही थी मेरी सेकंड स्ट्रेटजी, यानी कि ट्रेंडिंग टॉपिक। एक दिन मैं YouTube पर शॉर्ट वीडियोस देख रहा था तो मुझे स्क्रॉल विद पवन की वीडियो शो हुई, तो मैंने स्क्रॉल विद पवन के चैनल को चेकआउट किया और उनके कमेंट बॉक्स में बहुत से लोगों ने उनसे पूछा था कि आप ये वीडियो कैसे बनाते हैं। फिर जब मैंने YouTube पर देखा तो मुझे कोई भी वीडियो ऐसी नहीं मिली जो कि इस क्यूरीज को सॉल्व कर रही थी, इसलिए मैंने इस टॉपिक को चुना और इस पर थोड़ा सा रिसर्च करके डिटेल वीडियो बना दी, जिसमें कि मैंने स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस के बारे में बताया कि कैसे इस तरह की पॉडकास्ट वीडियो को बना सकते हैं। और फिर क्या था, जैसे ही मैंने वीडियो को डाला वीडियो धीरे धीरे ग्रो होने लगी और एक महीने के अंदर इस वीडियो में 50K से भी ज्यादा व्यूज आ गए और अब तो इस वीडियो पर 2,00,000 से भी ज्यादा व्यूज है। एंड अगर मैं तुम्हें इस वीडियो का एनालिटिक्स दिखाऊं तो तुम यहां पे देख सकते हो कि मेरी इस वीडियो पर 90% व्यूज सिर्फ YouTube सर्च से आए हैं और इसके लिए मैंने यूज किया है थर्ड स्ट्रेटजी को, जो कि है SEO। अगर तुम इस वीडियो के टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स को देखोगे तो मैंने बड़े ही स्मार्टली स्क्रॉल विद पवन के चैनल से रिलेटेड कीवर्ड्स को यूज किया है, जैसे कि हाउ टू मेक पॉडकास्ट वीडियो लाइक स्क्रॉल विद पवन, हाउ टू मेक पॉडकास्ट वीडियोस एंड हाउ टू मेक पॉडकास्ट शॉर्ट वीडियो लाइक स्क्रॉल विद पवन। और इन कीवर्ड की हेल्प से मेरी वीडियो सर्च में आने लगी एंड सर्च में आने का फायदा ये हुआ कि जिस किसी ने भी मेरी वीडियो पर क्लिक किया उसने मेरी वीडियो को ऑलमोस्ट पूरा देखा और सिर्फ इसी वीडियो ने मेरे चैनल पर 4000 घंटे पूरे कर दिए और मेरे चैनल को भी मोनेटाइज कर दिया। तो तुम भी इन स्ट्रेटजीज का यूज करके एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाओ जो कि ट्रेंडिंग हो और ज्यादा लोगों ने उस पर वीडियो ना बनाई हो, और वही एक वीडियो तुम्हारे चैनल को मोनेटाइज कर देगी। एंड अगर तुम्हारी शॉर्ट वीडियो 1000 या 2000 व्यूज पर आके रुक जाती है तो इस प्रॉब्लम का सलूशन यहाँ इस वीडियो में देख सकते हो।